ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा जिला के फतेहपुर में 1.5 साल से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे देहरी कॉलेज के एनएसयूआई के छात्र छात्राओं के सब्र का बांध अब टूट गया है। बीकॉम दूसरे सत्र के अंग्रेजी विषय का 1.25 साल के बाद रिजल्ट ना मिलने के कारण भड़के विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन, हिमाचल यूनिवर्सिटी और सरकार पर सीधा हमला बोला। कांगड़ा जिले के फतेहपुर में पिछले 1.5 साल से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे देहरी कॉलेज के एनएसयूआई के छात्र छात्राओं के सब्र का बांध अब टूट गया है। बीकॉम दूसरे सत्र के अंग्रेजी विषय का 1.25 साल के बाद भी रिजल्ट न मिल पाने के कारण भड़के हुए विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन, हिमाचल यूनिवर्सिटी व सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी से जल्दी उनका परीक्षा परिणाम नहीं मिला तो वो कॉलेज के गेट पर ताला जड़ देंगे, जिसकी जिम्मेवारी संबंधित प्रशासन की होगी। इसी दौरान छात्र छात्राओं ने रोष स्वरूप धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मनीषा है, मैं देहरी कॉलेज की छात्रा हूँ। बीकॉम फिफ्थ सेम है मेरा सेकंड सेम का बीकॉम सेकंड सेम का इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। 1 साल हो गया पूरा। प्रशासन को कई बार हमने एप्लीकेशन ग्रीमो कॉलेज के थ्रू कई बार हम इनको लिखित में दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। कभी बोल रहे हैं हमारे पेपर गुम हो गए हैं, कभी बोल रहे हैं मिल रहे हैं। ये जो बयान है ये सीईओ ने दिए कि हमारे पेपर जो गुम हो गए, तो हमने उनको कहा कि लिखित में दीजिए, तब वो दे नहीं रहे, तो हम किसके पास जाएं? हम यहाँ नारेबाजी करें, हम यूनिवर्सिटी जाएं। अब हम यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तब हमारी यूनिवर्सिटी नहीं सुन रही। जब हम 2-3 महीने के बाद यहाँ से चले जाएंगे तब कौन सुनेगा हमारा? कितने दिन हो गए धरना का? आज हमें यहाँ पे 5वां दिन है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे जल्द से जल्द पेपर ढूंढे जाएं, क्योंकि हमने पेपर बोल के नहीं दिए, लिखित में दिए हमने पेपर, तो हमें रिजल्ट भी चाहिए। अगर सरकार आपकी इन मांगों को नहीं मानती है तो आगे क्या क्या होगा आपका? अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, आज हमारा कॉलेज का ये फंक्शन है खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कॉलेज में तालाबंदी करेंगे, हम क्लासेस का बहिष्कार करेंगे, जिसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी को कई बार बोल चुके, यूनिवर्सिटी हमारी बातों पे कोई गौर नहीं कर रही है। हमारी यहाँ पे हमें 5 दिन यहाँ पे बैठे हो गए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमारा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। अभी हम फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने यहाँ पे हर एक बंदे से प्रिंसिपल, यहाँ पे इस कॉलेज का प्रिंसिपल सबसे मुख्य अध्यापक होता है, उससे हमने कई बार बात की है। उन्होंने बोला मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। हमें कितने दिन से मतलब लगातार गुमराह करते रहे। कभी बोल रहे 5 दिन के बाद आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा, कभी बोल रहे 10 दिन के बाद, कभी 9 दिन के बाद। आज हमें मजबूरन यहाँ पे स्ट्राइक करनी पड़ी है, मतलब अपने रिजल्ट को ठीक कराने के लिए यहाँ पे स्ट्राइक पर बैठना पड़ा है, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे फंक्शन चल रहा है तो ये इनको यही है कि हमारा मतलब इंसल्ट हो रही है कि आप उठ जाओ यहाँ पे, पर हमारी इतनी इंसल्ट हो रही है। हमारे घर वाले हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम कुछ बड़ा होकर हमारा लड़का कुछ करेंगे, बच्चे कुछ करेंगे, लेकिन हमारा रिजल्ट ही पेंडिंग होगा तो हम क्या करेंगे?